आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, एक घर में 60 वाट के 10 बल्ब और 75 वाट के 4 पंखे लगे हैं। यदि ए प्रतिदिन 6 घंटे तक उपयोग में लाए जाते हैं तो प्रति यूनिट 1 रुपया की दर से 30 दिनों का कितना भुगतान करना होगा। ऑप्शन ए है 172 रुपये, ऑप्शन बी है 162 रुपये, ऑप्शन सी है 262 रुपये, ऑप्शन डी है 272 रुपये। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि एक घर में 60 वाट के कितने बल्ब है, 10 बल्ब है तथा 75 वाट के 4 पंखे लगे हैं। ठीक है, तथा यह प्रतिदिन 6 घंटे तक उपयोग में लाए जाते हैं, तो हमें निकालना है कि 30 दिनों में कितना भुगतान करना पड़ेगा। तथा हमें दिया गया है प्रति यूनिट दर कितना है, यह है 1 रुपये। तो यहाँ से हमारा टोटल शक्ति कितना हो जाएगा, यहाँ से बल्ब की शक्ति दी गई है 60 वाट और पंखे की शक्ति दी गई है, यह है 75 वाट। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा टोटल शक्ति P है, तो यहाँ से बल्ब की शक्ति 60 वाट और कितने बल्ब है, 10 बल्ब, तो हो जाएगा 60 × 10 प्लस यहाँ से कितने पंखे हैं, 4 पंखे और प्रत्येक पंखे की शक्ति है 75 वाट, तो हो जाएगा 75 × 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो यहाँ से हमारा टोटल शक्ति आ जाएगा 900 वाट। ठीक है, तथा प्रतिदिन 6 घंटे चला जाते हैं तो प्रतिदिन हमारा ऊर्जा व्यय कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं प्रतिदिन ऊर्जा व्यय कितना होगा, प्रतिदिन ऊर्जा व्यय बराबर ये हो जाएगा P × T इक्वल टू हो जाएगा 900 × प्रतिदिन कितने घंटे चला जाते हैं, 6 घंटे, तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा प्रतिदिन ऊर्जा व्यय 5400 वाट घंटा। ठीक है, तो इसे किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो यहाँ से ये बदल जाएगा किलोवाट घंटा में, तो यहाँ से ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 5.4 यूनिट, यानी कि प्रतिदिन कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, 5.4 यूनिट। तो 30 दिन में कितना ऊर्जा व्यय होगा, यह पहले निकाल लेते हैं। 30 दिनों में ऊर्जा व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिनों में ऊर्जा व्यय बराबर ये हो जाएगा 30 × 5.4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 162। तो 30 दिनों में कितना यूनिट ऊर्जा व्यय होगा, 162 यूनिट ऊर्जा व्यय होगा। ठीक है, तथा प्रति यूनिट दर कितना है, यह है 1 रुपया। तो यहाँ से हमारा जो भुगतान करना पड़ेगा यानी कि खर्च कितना होगा, यहाँ से ऊर्जा व्यय से हमारा खर्च होगा, यहाँ से ये यह हो जाएगा 162 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 162 रुपये, यानी कि 162 रुपये क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 162 रुपये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।